क्षेत्रीय खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। नमस्कार, मैं हूं एसके पाल, आप देख रहे हैं युवा तक भारत। इस समय मैं उपस्थित हूं उन्नाव जनपद के विकास खंड हिलोली के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गुनामो, जहां पर लोगों की समस्या को लेकर के हम बात करेंगे। यहां की जो समस्या है, सबसे जटिल समस्या है तालाब के लेकर के। तालाब में कई लोगों का कब्जा है जैसा कि माना जा रहा है, और लोगों का यहां के बताना है। और इस दादा यहां किस लिए इकट्ठा हुए? ये तालाब के लिए इकट्ठा हुआ सब लोग, के सारे सब लोग रहते हैं, देवी देवता तालाब है। इसमें लोग कहते हैं कि हम खरीदा है यहाँ पर, न कोई बुड्ढा पावे, न कोई भसीड़ी पावे, न कोई पानी पिए पावे, न मछली मार पावे। यहाँ पर लोग बेच करके अपना लेते हैं, जनता कोई कोई सुनवाई नहीं होती है, न जनता बैठे दिए। यहाँ तालाब है, यहाँ तालाब है, तालाब है तो तालाब में कुछ लोगों का कब्जा है। कुछ लोगों का कब्जा पट्टी जगह निकले चाहिए ना, जो बाकी बचत की जमान है वो हमको चाहता है जी। बचत को हमको दीन चाहिए, बाकी पट्टे से क्या हमको। और यहाँ की क्या विशेषता? यहाँ की ये सब स्थान है, देवस्थान में कौन कौन से स्थान है? सर्वन नील है, बहुत गादी नील है कि जो यहाँ पर जो मानो तो होता है। अच्छा, भले मेला भी लगता है, सब कुछ व्यवस्था है यहाँ पर बढ़िया उसका। अच्छा, भंडारा भी यहाँ? भंडारा भी होता है। अच्छा अच्छा, कब होता है भंडारा? भंडारा साढ़ में होता है, जो मर्जी है भंडारा होने करते हैं जी जी। अच्छा, आए दिन यहाँ पर जो है कहा जाए कि जो है कार्यक्रम कोई न कोई जो है होता रहता है, हर सोमवार शुक्रवार होता रहता है जी। पिछले शुक्र के यहाँ सरवन खुदे भंडारा रहा, रहा है। अच्छा, सरवन के बाद दशरथ बाबा है, इसको बढ़िया मंदिर है, इसको बढ़िया कुटाई है, इसको बढ़िया मानता है। इसके मानते के अलावा पर यहाँ पर कोई फूल टूरने नहीं चढ़ाने देते हैं, कोई स्थान फूल चढ़ाने के मिना करते हैं। अच्छा, हाँ गौतम बाबा में से है हर चीज में। कोई यहाँ पर इतना खरीदे हो, कत्ती जमीन तुमने खरीदा, तुमने किसी एक फूल भी नहीं दे सकते हो। और कौन कौन सा मंदिर है? एक मंदिर है गौतम बाबा, गौतम बाबा, गौतम बाबा है, बहुत ही अच्छा है, पंचमुखी शिवलिंग है। क्या चाहते हैं कि सरकार से वो जो है इसका सौंदर्यीकरण कराए? हमको चाहता है कि सरकार चाहता है कि हमारे गांव समाज में ताल छूटना चाहिए, देवी मंदिर का हिसाब किताब से ताल छूटना चाहिए जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दादा क्या नाम है? बाबा दीन। किस गांव में रहते हैं? गोना मोह में रहते हैं। इस यहां पर किस लिए खड़े हुए हैं सब लोग? यहां तालाब के लिए खड़े हुए, तालाब छोड़ा। अच्छा, क्या तालाब में कब्जा है लोगों का? अच्छा, कौन कौन से लोगों का कब्जा है? अच्छा, और यहाँ पर जैसा कि जानकारी में आया कि बहुत जो है पुरानी स्मृतियाँ भी जुड़ी हैं, तो कौन कौन सी स्मृतियाँ जुड़ी हैं यहाँ से? स्मृतियाँ जैसे गौतम रेखा है, सरवन महाराज है, दशरथ महाराज है, गाड़े देव बाबा है, इतनी मूर्तियाँ किनारे गौतम बाबा है, सीता जी की रसोई है, सीता जी की रसोई है। और क्या है यहाँ की? एक कहानी मिलती है कि आपके आसपास सरवन में जो है सरवन जी की जो है एक तोंदी का जिक्र होता है कि वहाँ पर यदि आप दूध डालेंगे तो वो भर जाएगी, पानी डालेंगे तो। क्या अदृश्य है यहाँ का है कि वहाँ का है, क्या कैसा है? वो हकीकत सही है, पानी चाहे जब तक भरा करो ना भरी जी। अगर नेम से आप एक कुड़ेला डाल दो दूध जी, भर जाएगा। अच्छा, या नेम से उनके अधीनता करके पानी डाल दो, कुड़ेला भर जाएगी जी। घमंड करके नहीं भर सकते। क्या कहानी है यहाँ की? किस कहानी का जो है चित्रण किया जा सकता है यहाँ पर? बस यही तालाब के लिए है कि छोड़ा जाए पब्लिक, आम पब्लिक के लिए। देवस्थान जो है भव्य तरीके से बनाए जाए, सरकार से मांग करते हैं, यानी हमारे जो है यहाँ का जो है भव्य और सौंदर्यीकरण किया, सरकार द्वारा सौंदर्यीकरण किया जाए इसका। और हम लोग यहाँ के क्षेत्रीय विधायक से, हम लोग यहाँ के क्षेत्रीय विधायक से आह्वान करेंगे, एक निवेदन करेंगे कि यहाँ के जो हम लोगों के बीच जो है कि देवस्थान, भव्य देवस्थान का जो स्थापना की जाए। क्या समस्या है आपको? दस बीसवा का तालाब देते हैं आपको, तो एक बीघे का कितने पैसे लेते? कितने पैसे लेते? 3000। 3000 रुपए? तो 3000 रुपए में एक साल के लिए आपको जो है सिंघाड़े भर के लिए। अच्छा, सिंघाड़ा लगवाने के लिए कौन लेता है पैसा? पौवा लेते हो? विनोद। अच्छा अच्छा, विनोद प्रकाश, सबका नाम बता। कौन कौन लेता है? प्रकाश और विनोद। प्रकाश और विनोद नाम, तीसरा पौवा राकेश। अच्छा अच्छा, और कहते हैं पाही वाले के देंगे ताल, गांव वाले के ताल नहीं देंगे। अच्छा, बाहरी लोगों को तालाब देंगे लेकिन गांव वालों को नहीं देंगे, नहीं देंगे। ऐसा क्या कारण, कुछ बताया नहीं? नहीं नहीं, ये नहीं बताया।
अच्छा यहाँ पर जैसे तुरंत पैसे नहीं देते हैं, इसलिए हमको नहीं देते ऐसी तुरंत पैसे नहीं देते हम लोग, तो इसलिए तो हमको बताते हैं ताल नहीं देंगे। अच्छा तुम लोग तुरंत पैसे नहीं देते, इसलिए हम लोग इस नहीं देते हैं कि जैसे दो चक्कर हमें सिंगाड़ा सुखा दे तो हमने पैसे नहीं दिया जमा करके, बता रहे हैं कि आधा रुपया नहीं वापस करेंगे, इसलिए तो पैसा पहले नहीं देते, गुंडे और दमंगई, इसलिए पहले पैसे नहीं देते, जब सिंगाड़ा मार तैयार हो जाएगा तो हम देंगे। अच्छा अच्छा मेरा कहने का मतलब ये है। और किसी तरह की दिक्कत? अब दिक्कत तो भैया यह है कि अब गांव वाले का सबका दिक्कत ये, अब सब लोग बता रहे हैं तो अगला एक माफिया थोड़ी ऐसा सिस्टम करा सकता है, अब शासन प्रशासन को देखना चाहिए कैसे का सिस्टम करना चाहिए। हम लोग तो अपनी आवाज उठा रहे हैं, अब देखते हैं योगी बाबा या मोदी जी क्या कर सकते हैं इस प्रकरण में, क्षेत्र के विधायक अनिल सिंह जी भैया हमारे क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ हम लोग तो आम जनता है, आवाज उठा सकते हैं। आवाज उठाने का मतलब ये हुआ कि आप मेरी पर्सनली बात को समझिए। नहीं अनिल सिंह से विधायक जो क्षेत्रीय हैं उनसे क्या इस प्रकरण को नहीं 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 वो हमने उनको विधायक जैसे बनाया है, पूरी जनता ने बनाया है, पूरे सिस्टम ने बनाया है, तो ये उनको देखना चाहिए। अब हम डायरेक्ट योगी जी के पास थोड़ी जा सकते हैं। नहीं ये समस्या लेकर के क्या आप में से कोई उनके पास गया? नहीं अभी नहीं गए, अभी नहीं गए, विधायक जी के पास नहीं गए हैं। ये समस्या ये है कि वहाँ अगर पानी पीने कोई जाता है या भसेड़ खोदने जाता है या पानी पीने चला गया या कोई मछली मारने चला गया तो उसको भद्रा से मतलब बहुत बुरी तरह से गाली दी जाती है और बहुत लोगों को मारा पीटा भी गया, छोटे छोटे बच्चों तक का मारा गया। एक यही है कि ठेकेदार को हटा के पूरी पब्लिक के हवाले कर दिया जाए, हमारी लोगों की यही मांग है। मांग ये है कि अगर उनके पास कितना बीघा है भैया? 52 बीघा है। अगर कोई लिखा पड़ी हो तो हमको दिखाए। लड़का आया था अपने सिस्टम में ऐसा थोड़ी होगा। पूजा करने के लिए एक फूल नहीं तोड़ सकता कोई, अगर जाएगा तो उसको गालियां दे के गंदी गंदी गालियां जो बताने में भी मीडिया के सामने शर्म आ रही है हमको, उन शब्दों का जो है छोटे छोटे बच्चों जनता में इतना आक्रोश हो गया है। सक्रिय कार्यकर्ता है और देखा जाए तो इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है और यहाँ के विधायक अनिल सिंह जी हैं, और क्या इन समस्याओं को ले करके आपने उन तक पहुँचाने का कार्य किया? आज सुबह हमारी उनसे बात हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस प्रकरण को हमारे संज्ञान में लाया जाए और लिखा पढ़ी हमको दिया जाए जिससे हम आप लोगों की मदद करते हैं और शासन प्रशासन से जो बोल करके यहाँ का जो है ठेकेदारी चल रही जो प्रथा है इसको खत्म करके जनता के हवाले करने का हम काम करेंगे, आप लोग हमसे मिलें। तो हम लोगों ने कल योजना बनाई है कि आज हम लोग मीटिंग करके कितने लोगों की आवश्यकता है कि नहीं, तब यहाँ देखा कि सभी लोगों की आवश्यकता है करीब करीब, और यहाँ का माहौल देख करके लोगों को लग रहा है कि नहीं आवश्यकता है, विधायक जी इस पे जो है पूर्ण विश्वास है हमको कि हम लोग हमारे लोगों की मदद करेंगे। आपसे गुप्ता जी क्या कहेंगे इस प्रकरण को लेकर? देखिए बहुत पुराना इसका देखा जाए उल्लेख बहुत पुराना है, सतयुग में इसका उल्लेख किया गया है। यहाँ तो पहले सरयू नदी हुआ करती थी, ये एक गोराए तो आज के डेट में कहा जाता है, पहले तो सरयू नदी हुआ करती थी। यहाँ पे पशुए, यहाँ पे चिड़िया पानी पिया करती थी और यहाँ बगल में श्रवण बाबा श्रवण दशरथ जी यहाँ शिकार किया करते थे, आज जब आते थे तो शिकार करते थे। यहीं बगल में इसको पर्वत हिमालय भी बोलते हैं, श्रवण बाबा के पास श्रवण गांव में बना हुआ है और यहाँ सीता की रसोईया भी है, पंचानन बाबा भी हैं। यहाँ पे शब्द बाण दशरथ जी ने जब यहाँ पे श्रवण जी पानी भरने के लिए आए थे इस नदी में तो घड़ा में जब पानी भरते तो कड़कड़ की आवाज आ रही थी, तो उन्होंने शब्द बाण चलाए थे तो सीधे डायरेक्ट श्रवण जी को लग गया था तीर, जिससे वो अपने यहाँ प्राण निछावर कर दिए थे, त्याग दिए थे। उनके आज भी उस जो ब्लड शरीर से खून गिरा था आज भी वो पत्थर लाल पड़े हुए हैं। यहाँ पे सरवण बाबा की मान्यता भी है, वहाँ तोंदी भी बनी है, उसका प्राचीन काल में दिया गया उल्लेख भी किया गया है कि यहाँ पे आएंगे कोई भी अहंकार से आए सरवण बाबा की तोंदी भर जाएगा तो तोंदी चाहे जनरेटर चला दे, चाहे इंजन चला दे, चाहे समय सुबह चला दे, तो तोंदी कभी भर नहीं सकती है। और मान्यता करके आए और केवल तुलसी की पत्ती और दूध का गाय का दूध डाल करके एकदम तोंदी भर 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 जाती है, जिसी कारण यहाँ पे कभी पता नहीं राजा हुआ करते थे अनसुईया देवी, उनके नाम यहाँ जमीन हुआ करती होगी, आज तो ना अनसुईया देवी है ना उनका कोई परिवार का सदस्य यहाँ पे, जिसकी वजह से कुछ यहाँ पे भूमाफिया है जैसे राकेश गुप्ता है
और यहाँ पे ग्वानव पंचायत के हीरा लाल रावत जी हैं, प्रकाश विनोद रावत जी हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जो उनकी पूरी टीम, एक भूमाफियाओं की एक टीम होती है, वो टीम के तहत यहाँ पे रखवाली करते हैं। और यहाँ पे गरीब जनता है, गरीब जनता जैसे कश्यप है, कहार है, बहुत सारे छोटी छोटी जातियां हैं, उनको जमीन दे करके उनसे वसूली करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। जैसे कि यहाँ पे गरीब जनता के पास खाने को नहीं है, जैसे जमीन किसी के पास नहीं है, तो इसी ताल के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं। जीवन यापन करने के लिए तो उनसे आग्रह करके उनसे जमीन भीख मांगते हैं, जैसे लगता है उनकी राजा रजवाड़ा चलता है जैसा उनका। वो एक भूमाफिया के तहत वो जमीन देते हैं और जमीन से वसूली करते हैं, किसी को 10 बिस्वा देते हैं तो 1 बीघा बता करके 10,000, 3,000, 4,000 ऐसे वसूली करते हैं, और जो नहीं दे पाता है उसको नहीं देते हैं, फिर बाहर वालों को जमीन देते हैं, जिसकी वजह से ग्राम पंचायत की जमीन है, ग्राम पंचायत के उसमें आती है, क्षेत्र में आती है, यहाँ की ग्राम पंचायत गोनामऊ की, जो कालाबाजारी, जो भूमाफिया कब्जा करे हैं, इनसे मुक्त करा करके ग्राम पंचायत के हित में और ग्राम पंचायत की जनता, गरीब जनता को ये हैंडओवर कर दिया जाए, उनके पक्ष में कर दिया जाए, सब लोग यहाँ खाए, सब लोग का घर चले। इसी से हम, इससे पता चलेगा कि कितनी यहाँ जनता ट्राई हम कर रही है। नहीं, जैसा कि देखा जाए तो सोशल मीडिया में आपकी कई पोस्टें आती हैं, आप उप मुख्यमंत्री के भी साथ फोटो खिंचाते हैं, तो इन प्रकरणों को लेकर देखिए, वो विषय भारतीय जनता पार्टी के, मैं सक्रिय कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, मैं अवध क्षेत्र में क्षेत्रीय मंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा का रहा हूँ, और बाकी तो हमारी मुख्यमंत्री से भी परिचय है, मैं मुख्यमंत्री से मिलता रहता हूँ, महीने में एक बार दो बार तो मैं जरूर मिलता हूँ, और बाकी हमारे डिप्टी सीएम अभी जो भावी डिप्टी सीएम अभी बने हैं, नवनिर्वाचित हुए हैं, जो शपथ ग्रहण किए माननीय बृजेश पाठक जी से, हमारे व्यक्तिगत घरेलू जैसे संबंध है, केशव प्रसाद मौर्य जी से संबंध हमारे घरेलू जैसे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी से अच्छे संबंध है, हमारे उत्तर प्रदेश के जो संगठन के चाणक कहे जाते हैं ऐसे उत्तर प्रदेश के माननीय सुनील बंसल जी से एक पारिवारिक की तरह हमारे संबंध है, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक तौर पे एक बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उस संगठन से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं संघ में प्रचारक रहा, संगठन मंत्री विद्यार्थी परिषद में रहा हूँ, उस संगठन से निकल के भारतीय जनता पार्टी में गए, इसलिए हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं सभी से हमारे अच्छे संबंध रहते हैं, और ऐसे ही हमको व्यक्तिगत पहचानते भी हैं, उनका स्नेह प्यार मिलता रहता है। इसी के तहत मैं इस गुराए का, मैं यहाँ की ग्राम पंचायत की जनता से मैं वादा करता हूँ कि इसको मैं पूरा तख्त खोल करके रख दूंगा, और यहाँ पे जो जनता चाह रही है उस जनता का वही न्याय मिलेगा, और हर व्यक्ति के पक्ष में ये जमीन मिलेगी, हर व्यक्ति को यहाँ मछलियां खाने को मिलेंगी, यहाँ पे बुड्ढा खाने को मिलेंगे, यहाँ भसेड़ खाने को मिलेंगे, स्वतंत्र हो करके यहाँ पे कोई भी आए, कोई पानी भरे या कोई पानी पिए, किसी का पशु जा रहा हो पानी पीने, यहाँ कोई उस हस्तक्षेप करने वाला नहीं मिलेगा। ये बाबा जी की सरकार है, ये बुलडोजर की सरकार है, जहाँ भूमाफिया कब्जा करते हैं वहीं बुलडोजर चल जाता है, एक से एक माफिया मैंने देखा है उत्तर प्रदेश की सरकार में 17 से लेकर के आज तक चली आ रही है, अभी शपथ नहीं, शपथ हुआ है, पंद्रह दिन हुए हैं, आपने देखा होगा अभी कई बुलडोजर सीतापुर में भट्टा गिरा दिया गया है, ऐसे ऐसे माफियाओं को ध्वस्त कर दिया गया जो कभी जीवन में सोचे नहीं थे। तो ये तो छोटे मोटे भूमाफिया हैं, इनकी क्या औकात है, इनको तो 2 मिनट में, ऐसे भूमाफियाओं जूता के तले ऐसे मिसिल दिया जाएगा, ये सब कोई नहीं। और कहते हैं माननीय बृजेश पाठक जी हमारे करीबी है, बृजेश पाठक जी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है, ये नहीं कहते हैं कि जाओ गरीब जनता को सता करके जमीन पे कब्जा करके लोगों से वसूली करो, ये बृजेश पाठक जी नहीं कहेंगे, नहीं और कत्ता ही नहीं कह सकते, ये बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो भूमाफिया करेगा, जो गुंडाई करेगा, उसको उसी भाषा में उसको समझा दिया जाएगा, और घर से निकाल करके उसको रोड पे दिखा दिया जाएगा।